शिमारू से जुड़े रहने के लिए YouTube ऐप के बेल आइकन को प्रेस करें। ए बेटी, अरे कुछ तो बोल। ये देख, तुझसे मिले कौन आया है? ए, रोहित आया बेटी, रोहित आया। इसे जी भर के रो लेने दीजिए, इस सदमे का इससे अच्छा कोई इलाज नहीं है। सीमा, सीमा बेटी, बेटी, डॉक्टर साहब। यस नर्स, प्लीज डोंट वरी, मारे खुशी के बेहोश हो गई है, थोड़ी देर में इसे होश आ जाएगा, तब तक आप लोग जरा। ओह या श्योर नर्स, आप सीमा। रोहित, रोहित, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? पता है लोग कैसी कैसी बातें करते थे कि तुम, लेकिन मेरा दिल हमेशा यही कहता था कि तुम जिंदा हो। पता है क्यों? क्योंकि मैं जिंदा हूँ। तुमने ऐसा मजाक क्यों किया रोहित? क्यों किया तुमने ऐसा मजाक? I'm sorry सीमा, don't cry। दरअसल मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। मैं देखना चाह रहा था कि तुम मेरे बगैर जी सकोगी या मुझे खूबसूरत सपना समझकर भूल जाऊंगी। मगर तुम अपने इम्तिहान में फर्स्ट क्लास पास हुई और अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा और तुम्हारे साथ वैसे ही पेश आऊंगा पहले की तरह। पहले बिल्कुल इसी तरह। तुम्हें याद है हमारे घर के सामने तुम्हारा एनसीसी कैंप हुआ करता था और कैसे तुम मुझे रोज छेड़ा करते थे। जहां चलेगी मेरा साया साथ होगा। रोहित, रोहित माय फुट, डू बिलीव दिस। आपने हमारे नाम को अपने पैरों के नीचे कुचल दिया, इस बात का हमें अफसोस नहीं है जनी। डर है तो इस बात का कि कहीं आपके पैरों में मोच तो नहीं आ गई। पगीजा, मिस्टर बेशरम, आप रोज मेरे पीछे पड़े रहते हो। आखिर आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये बदतमीजी और बेशर्मी का सिलसिला कब जाके खत्म होगा? अजी कल से यहाँ आना जाना छोड़ देंगे। वेरी गुड, दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे आपको, बस एक चुम्मा दे दीजिए। शट अप, उधार मांग रहा हूँ। उधार का मतलब समझती है आप? आज आप चुम्मा देंगे, मैं कल वापस लौटा दूंगा। देखिए मैं बड़ा खानदानी आदमी हूँ, हम लोग कोई भी चीज किसी से एक बार लेते उसको बड़ी ईमानदारी से लौटा देते, समझ रही आप? ऐसी बातों को तो मैं बहुत जल्दी और अच्छी तरह से समझती हूँ, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या? वो क्या है कि मैं उधार में विश्वास नहीं रखती। ये जो लेन देन का मामला होता है ना, वो मैं हमेशा नगद में करती हूँ। नगद बड़ी अच्छी चीज होती है। हाँ। कहाँ से शुरू करेंगे आप? यहाँ से कि यहाँ से? कहीं से भी चलेगा। क्या बात कर रही हैं आप? सच्ची तो कह रही हूँ। ये है तो नगद जरूर, मगर सिक्का जरा खोटा है। लगता है आपका चुम्मा देने का इरादा नहीं। चलिए मैं ही खुद ले लेता हूँ। दादी, ये आप क्या कर रहे हैं? डैडी, ये गाड़ी लोहे की बनी हुई है, कोई कागज या मोम की नहीं, जो आप इसको इतना आहिस्ता आहिस्ता साफ कर रहे हो। मालूम है मुझे कि लोहे की गाड़ी है, आता ना जोर से घसूंगा तो इसका पेंट नहीं निकल जाएगा, और तू गैरेज वालों को नहीं जानती है, पेंट का नाम ले तो रिजन बाहर से खोल देते हैं। कसम से अगर कभी कंजूसी का कॉम्पिटिशन हुआ ना तो आपको गोल्ड मेडल मिलेगा, गोल्ड मेडल। तो मेरी कंजूसी से घर में गोल्ड मेडल आएगा ना, कुछ जाएगा तो नहीं? चल डैडी, खुद के बाल नोचे। मेरे बाल नोचेगी?
हम का नहीं हमें बैठाई के बैगनवा बेचन जाए, हम का नहीं हमें बैठाई के बैगनवा बेचन जाए। तोरा बैल है अड़िया सड़िया, मोरा बैल है तेज, हमरे बैल पे हो के सवार हो भैया, चल बैगन के खेत, हम का नहीं हमें बैठाई के। अबे कहां अंदर घुसा जा रहा है, हट जा सामने से, हम नौकरों के मुंह नहीं लगते। नौकर? अबे मैं तुझे नौकर लगता हूँ? तो खुद को साहूकार समझते हो क्या? अंदर मालकिन ने दूध लाने के लिए कहां पहुंचाने जा रहे हैं, बार बार रोक रहे हो, रिश्वत में दूध चाहिए? अगर हम तो अंदर जाए कि देने तो हमको रिश्वत में दूध पिलाएगा का? अरे तुम तो हमारे तरफ की भाषा बोल रहे हो, कौन जिला पड़ता है? घौसी। घौसी? तब तो तुम हो हमारे पड़ोसी, हम हंडिया के हैं। रहो, ये सब हम बाद में करेंगे। अच्छा एक बात बताओ मालिक काका। मालिक काका? चलो माली ही सही। मालिक है? नहीं, बाहर गए घूमने। बेटी होगी? अंदर है। एक बात बोले सच्ची? हाँ। बहुत कमाल की चीज है। हाँ? फिगरवा देखा है? फिगरवा समझते हो कि नहीं? कमाल का फिगरवा है, उसको जब भी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इसको उठा के यहाँ से ले जाए और गांव में ले जाकर जाड़े में उसके साथ ब्याह रचा। अरे, हाँ? अरे तुम उसके बाप के बराबर हो, तुम क्या करोगे? वो हमारा डिपार्टमेंट है, ये क्या बहुत अटेम्प्ट कर रहे हो? अरे एक मामूली दूध वाला होकर इतनी लंबी जबान। अरे तुम हमारे सामने जब इतना ओपन हो ही गए तो हम भी टोटल ओपन हो जाते हैं। नहीं, अरे हम दूध वाला नहीं हूँ भाई। ये देखो, हम उस लड़की का आशिक हूँ। अरे बहुत दिनों से ससुरी को पटाने की कोशिश कर रहे हैं, साली हाथ ही नहीं आ रही, सोचा आज जाके इसको चिट्ठी दे दे। गांव खेड़े के आदमी, हमारा इतना काम तो करी दो, उसको चिट्ठी पहुँचा दो यार। पहुँचाए दे तो अब देखो हम किसको कहाँ पहुँचाते। दादी, दादी, ये तुमको डैडी डैडी कैसे बोल रही है? ये हमारी बिटिया है। क्या बात कर रहे हो, तुम्हारी बिटिया है? तो पहले बोलना चाहिए ना, इतनी देर से बतिया कह रहे हो। अरे बताना चाहिए ना घर में कौन बिटिया है, कौन भाई है, कौन नौकर है, ये भाई साहब कौन है? हिम्मत कैसी हुई घुसने की? और ये क्या है? ये वो छोड़ूंगी नहीं बेटी, तो खाम खा नाराज हो रही है। मैं भी है ना तेरी माँ को बिल्कुल ऐसे ही है। क्या? हाँ, मगर मैं तो खाली हाथ गया था और ये उल्लू का पट्टा पूरा दूध भर के दे गए रे। क्या वो? मैं समझा था दुनिया में मैं ही 420 हूँ, ये लुच्चा तो 840 निकला। ये तू क्या मेरे को कुत्ते का पिल्ला समझता है जो इस तरह से बुलाता है? कैसी बात करते हैं सर, मैं तो आपको खुशखबरी सुनाने आया था। है? आपके तो दिन बदल गए सर। क्या बात करता है? हाँ सर, ये लड़कियों की तस्वीरें देखना बंद कर दीजिए, आज आपके जीवन में संसार की सबसे सुंदर स्त्री आने वाली है। और इतना ही नहीं, वो आपको कुछ चीज देके जाएगी। तुझे कैसे मालूम? मैंने सपना देखा। अरे बेवकूफ, सपने भी कभी सच होते हैं क्या? मेरे होते हैं, मेरे होते हैं। आप कैंप में किसी से भी पूछ लीजिए, मैंने जिसके बारे में जो सपना देखा है वो हुआ है। एक बात बता, वो लड़की मेरे को क्या देकर जाएगी? ये मैं नहीं बता सकता। ठीक है, अगर तूने नहीं बताया ना तो मैं तेरे को रस्टिकेट कर दूंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मेरा ये सपना सच होने वाला है। और फिर ये तस्वीरों वाली बात। मॉर्निंग सर। आज आपके जीवन में संसार की सबसे सुंदर स्त्री आने वाली है। और इतना ही नहीं, वो आपको कुछ चीज भी देके जाएगी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? यस यस, आइए 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 आइए। हेलो सर। सर मैं आपको कई दिनों से देख रही हूँ। मुझे? हाँ, आप कितने अच्छे हैं, कितने शरीफ हैं, कितना डिसिप्लिन है आप में, मैं आपको बहुत एडमायर करती हूँ। एक आप है और एक सर, मुझे बहुत शर्म आ रही है बताने में, मैं आपको क्या बताऊं, आप बस इस खत को पढ़िए। जान, इस खत को पढ़कर नाराज मत होना, क्योंकि इस खत में अल्फाजों की जगह अपने दिल के छोटे छोटे टुकड़े बिखेर कर आपकी खिदमत में पेश किए मैंने। जान मेरा यकीन करो, जब से तुम्हें देखा है ना दिल को चैन है ना करार, मेरे देखने से तुम्हें गुस्सा भी आता होगा। हाँ, लेकिन नाराज मत होना जान,
ये मेरा प्यार है, सिर्फ प्यार है जान। मेरी मोहब्बत को मेरा नजराना समझकर कबूल कर लो। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पढ़ लिया आपने सर? हाँ हाँ पढ़ लिया मैंने, पढ़ लिया। सर मुझे इसका जवाब अभी और इसी वक्त चाहिए। अभी? हाँ। और इसी वक्त? हाँ। देता हूँ। नेक काम में देरी किस लिए? ये तुम्हारा खत और ये है मेरा जवाब। हाँ बड़े बदतमीज किस्म के आदमी आप। मैंने आपके एक स्टूडेंट के बदतमीजी का जवाब मांगा और उसके बदले में आप मुझे ये लिख कर देते कि आपको मुझसे शादी करनी है। हाँ। बड़े घटिया किस्म के आदमी आप। नहीं नहीं मैं बड़े मिलकर भेजा खड़क सिंह। यह सब क्या? वही सर जो आप देख रहे हैं। सर अगर आप भी मेरी जगह पर होते और ये आपसे जवाब मांगती तो आप भी यही जवाब देते जो मैंने दिया है। सर मुझे गलत फहमी हो गई। ये क्या यू लगा रखा है? आप रोहित तुझे बुला दे जिसने मुझे खत लिखा है। रोहित? बात सारी समझ में आ गई सर। ये हरकत रोहित की है। उसने अपनी जान बचाने के लिए मुझसे कहा कि एक खूबसूरत लड़की आएगी जो तुम्हें कुछ देकर जाएगी। मुझे क्या मालूम था कि वो उसी की चिट्ठी देकर जाएगी। इस फ्रॉड सर रोहित को बुलाइए सर। सर आपने मुझे बुलाया सर। रोहित क्या ये सच है कि तुमने इनके घर जाकर ये खत इनको दिया था? एक मिनट। उधार वाला चुम्मा है ना प्यार से दे दो वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। हा? सर ये कौन है? मैं इनको नहीं जानता और ये खत मैंने इनको नहीं लिखा। और अगर आपको मेरे कैरेक्टर के बारे में जानना है तो आप खड़क सिंह जी से पूछिए। ये मुझे तब से जानते हैं जब मैं चड्डी में घूमता था। अरे चड्डी में घूमने का और खत लिखने का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है सर। उसकी बात मत बिल्कुल बताइए, बिल्कुल झूठा इंसान है। आप है कौन जो मुझ पे बार बार इल्जाम पे इल्जाम लगा जा रही है? सर आप इस खत को ठीक से पढ़िए। क्या इस खत की हैंड राइटिंग मुझसे मिलती है? क्या मैंने कभी किसी से शादी की है यहाँ पर? नहीं नहीं ये तो अनवर की है। तो आप अनवर को बुलाइए सर। तुम क्या जा रहे हो? मैं कहाँ जा रहा हूँ? आइए आइए अनवर मियाँ तशरीफ लाइए। आदाब भाई अनवर मियाँ क्या खूब लिखते हैं आप। शुक्रिया शुक्रिया। और हैंडराइटिंग भी कमाल की है। शुक्रिया शुक्रिया। बस आप सीधे हो जाइए हुजूर। और ये बताइए कि ये खत इन मोहतरमा को आपने लिखा था? सर मैंने इनको नहीं लिखा था। तो? बल्कि इनकी बेपना चाहत की गहराइयों को मद्देनजर रखते हुए ये खत मैंने इनकी नजर किया था। कोई भी गड़बड़ की ना तो सबको बता दूंगा कि तेरे साथ बस में क्या हुआ था। अनवर तू डर मत, तू सर को सब सच सच बता दे कि ये खत किसने लिखा था। मैंने लिखा था सर। सर ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है सर। आप चुप रहिए, आप मेरे दोस्त को डराने की कोशिश कर रही है। अनवर ये खत इनके घर किसने पहुंचाया था? मैंने पहुंचाया था सर। नहीं पहुंचाया। अनवर सब सच है सर। अनवर तुम ऊपर से इतने शरीफ और अंदर से इतने बदमाश हो, इसकी सजा मिलेगी। शुक्रिया शुक्रिया। हाय हाय वालिया वाले। ओए पियो कालू। हां वो थोड़ा खोल के से मिल के आता क्या भगवान? जा ओ ठहर ओए गुड़ लग तो लेती जा। भाग। एक्सक्यूज मी। यस। सुनिए मेरे दोस्त लोग हैं ना आपकी पर्सनालिटी के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, जरा प्लीज बताएगी आप में एग्जैक्ट खूबियां क्या है? बताऊं? हाँ। ये ले। मैंने आपके हाथ की खूबियां नहीं पूछी थी। हट जाओ मेरे सामने से। मैं कहती हूँ हट जाओ। I said just get out. Hey, लड़की को छुना तो दूर की बात है, पहले इस बॉल को तो छूकर बताओ जो तुम्हारा अपना है। चल रहे। क्या है? बिल। खाए का बिल? हमने तो कुछ खाया भी नहीं। जो खाया नहीं है उसका बिल नहीं है, जो खाने वाला है ना उसका बिल है। पढ़ पढ़। एक तार, एक आँख। हाँ बराबर। एक पाव की नली। हाँ आगे बढ़। एक रीढ़ की हड्डी। हाँ निकलता जा। एक फसली की हड्डी। हाँ चल चल। एक भेजा और भी है। एक अतनी। हाँ।
ए, बिल दे रहे इसका। हाथ तूने लगाया ना, बिल भी तू ही चुकाएगा। ए, ला बॉल दे। ए, तुझे बॉल की पड़ी है मेरे हाथ की नहीं। ओ भगवान, पहले बॉल तो ले ले, फिर तुझे भी छुड़ा लेंगे। ए, घर में जाकर लड़ना, बॉल चाहिए ना। हाँ। ये ले। छूट गया। तू बॉल से मारेगा, बॉल से? तेरे को मैं चाकू से मारूंगा, चाकू से। ए, भाजी काटने की छुरी किसी और को दिखाना। जाता है क्या अभी? बकरियों की तरह मैं क्या कर रही हूँ? खूबसूरत लड़कियों को इस तरह के कपड़े पहनकर स्विमिंग करने का कोई हक नहीं है, और स्विमिंग करने का बहुत शौक है ना, तो घर के सामने एक खड्डा बनाओ, उसमें कूद जाया करो। वो कंजूस का है। कौन? तुम्हारा बाप। उसको बोलो कि उसके क्लब के पैसे बच जाएंगे। ये तो अच्छा हुआ कि मैं तुम्हें छेड़ने के लिए यहाँ चलाया, वरना पता नहीं क्या होता। रोहित, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें गलत समझा। अरे इस तरह खड़े खड़े तुम अपने अफसोस को जाहिर मत करो ना, बैठ के चाय पीते पीते सॉरी बोलो। आओ ना। चीयर्स। ये नसीब से नसीब टकराने की शुरुआत जो होती है ना, वो चाय से ही होती है। देखो ना, जब कोई लड़का किसी लड़की को देखने के लिए जाता है तो लड़की बड़ी शर्मा कर हाथों में ट्रे लेकर आती है और कहती है कि चाय लेंगे आप? Don't you think this is right? Huh? I think you are. वो देखो वाल्या कैसे अपनी हीरोइन को हीरोगिरी बता रहा है। हाँ रे। चल इसकी हीरोगिरी निकालते हैं। चल रे। वाह, होट बहुत खूबसूरत है। चाय पिए? ओह शिट। ओ भाऊ, अरे बे, अबे वादा किया था कि मार खाने का 2000 देगा। और आप 500 रुपए में ट्रिप आता है? क्या? और ये ले तेरा 500 रुपए नहीं चाहिए। क्या बकवास करता है सीमा, मैं लोगों को जानता तक नहीं। ओए भैंकी करिए मत, मैं आपके पैरों को हाथ लगा रहा हूँ। ये बड़ा चीटर है, इसने कहा था कि आपके सामने जूटी मूटी मार खाने का 2000 दूंगा, अब सिर्फ 500 मीटर का रहा है, तो न्यूज़ क्या क्या? चल भगवान चल। सीमा, मुझे तुमसे ये उम्मीद थी। सीमा, कुत्ते कमीने। हाँ? अभी होट अच्छे लग रहे थे और अभी कुत्ते कमीने। सुनिए, मैं चाय पी लूँ। चल तेरी माँ के यहाँ चला, निकल। तू मुझसे उधार ले ले। ना क्यों बे अंधे, ये बोर्ड दिखाई नहीं देता? एक
चुम्मा तो मुझसे उधार ले ले। चल हवा ना चल। कमाल करते हो तुम भी, सारी गलत समय दूर हो गई, प्यार हो गया, अब मुझसे दूर भागने का मतलब? जो समझ ले। आयो रब्बा, इतने लखा वाली जहाँ चली गई और तेने तो कोई फर्क ही नहीं पहनता, ये चंगी गल नहीं है। हाँ ज्यादा शानी मत बन, हट सामने से। तो क्या मैं पीछे पीछे नहीं आ सकती? चल जा चल जा जा, भाव खाता है। सीमा इतनी सी थी जब इसकी माँ परलोक सिधार गई, तब से मैंने इसको माँ और बाप दोनों का प्यार देकर बड़ी कंजूसी से पाला है मैंने इसको। नहीं नहीं मतलब बड़े नाजों से पाला है मैंने इसको, इसकी हर खुशी को अपनी खुशी समझा, इसके हर खर्चे को अपने नुकसान समझा। भाई मुझे ये रिश्ता मंजूर है मुझे। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। क्या है भाई, शादी इसकी हो रही है, तुम कहे के लिए शुक्रिया 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 कर रहे हो? चलो कर रहे हो तो लो मिठाई खाओ। कैसी लगी? लेकिन चाचा जान आपने तो मिठाई खिलाई नहीं। खिलाने वाले की नियत देखनी चाहिए, उसका हाथ नहीं देखना चाहिए। नियत थी ना तो मिठाई की क्या जरूरत? चाचा जान ऐसी मिठाई मैं आपको खिलाऊं? मैं नहीं खाता, मुझे डायबिटीज है। हैं? अंकल अंकल क्या? मैं अपने मम्मी डैडी को ले आता हूँ और उनके आते ही मंगनी। अरे कमाल के आदमी हो, मंगनी भी खर्चा करोगे? नहीं 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 नहीं, मंगनी को मारो गोली, आते महीने की 15 तारीख को मंगनी के पैसे में ही शादी कर डालते हैं। अरे भाई आप वहां रखिए, चलिए देर हो रही है। बेटी तू क्या कर रही है, तू भी तो तैयार नहीं, बारात जाने का वक्त हो रहा है। हेलो जगमोहन जी बोल रहे हैं। हाँ जी बोल रहा हूँ। आपको एक बहुत बुरी खबर देनी है, जिस बस से बारात आ रही थी उसका एक्सीडेंट हो गया है। बस का एक्सीडेंट हो गया? और जितने भी बाराती थे सब के सब मारे गए। मारे गए क्या? और डॉक्टर रोहित को बचा नहीं सके? पगली वो खबर झूठी थी। हाँ ये देखो मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, सही सलामत हूँ, जिंदा हूँ और तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। ये देखो ये वही हाथ है, ये वही हाथ है जो तुम्हारे थप्पड़ को रोक लिया करते थे, ये वही आँख है जो तुम्हें देख के मिच लिया करता था मैं, ये वही होठ है जो तुम्हें देख कर सिटी पे जाया करते थे। तुम आराम करो, तुम आराम करो, मैं फिर तुम्हें देखने आऊंगा। तुम आराम करो, मैं आऊंगा। ये गाड़ी क्यों रोकी तुमने? आती हम यहाँ अक्सर मिला करते थे। हाँ 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 क्या ढूंढ रही हो सीमा? रोहित मैं वो पेड़ ढूंढ रही हूँ जिस पर हमारे नाम लिखे थे। कहाँ गया? ठीक हूँ आप मिसेस गायकवाड़? आप भूल गया क्या मेरे को? मिसेस गायकवाड़
लाइकवाइज। अरे जब मेरे को मालूम पड़ा ना तू जिंदा है ना, मैं बहुत खुश हो गई। लेकिन जब मैंने सुना कि तू मर गया है, अरे मैं रोज रोज सोच सोच के रोती थी। कितना हलकट था रे तू, कितना रुला है मेरे को, याद है तू लड़की बनकर आया था एक दिन हॉस्पिटल में। कंग्रेचुलेशन सीमा, तेरे को तेरा तालू मिल गया। आज शाम को हम लोग एक पार्टी रख रहे हैं। मैं आएगी ना? हाँ मैं आएगी, ऐसे की सब मैं आएगी। Just one second. Rohit! I'm so happy to see you. Come, let me just introduce you to my friends. आज की पार्टी बहुत बहुत अच्छी है सर। आपका पहला ग्लास है, मेरा पांचवा है, लेकिन पहले जैसा लगता है। पियो। It's a pleasure to meet you. और कैसे मिजाज है आपके? यस रोहित, यार मैं तुमको उस जमाने से जानता हूँ जब तुम चड्डी पहन के घुमा करते। बचपन से जानते, जरा सुधार के बोलिए इस बात को। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है, उस दिन तुम्हारा मेडिकल चेकअप हुआ था ना, तो उसमें क्या हुआ था यार? अरे कुछ नहीं हुआ था, चेकअप हुआ ना, तो उसमें क्या हुआ था? खड़क संगीत, मैं तो खड़ा हूँ सर। काफी देर से खड़े हैं, चलिए जरा घूम के आते हैं। उधर मजा नहीं, इधर मजा, बहुत मजा। आप चलिए ऐसे घूमते हुए, चलिए चलिए ऐसे घूमते रहिए ऐसे। शाबाश सर। उस दिन मेडिकल चेकअप हुआ तो उसमें क्या हुआ था? जी सर, सॉरी सर। हजरत, इस खुशी के मौके पर मैं अपने दोस्त रोहित की खिदमत में चंद अशार पेश करने जा रहा हूँ। आप सबकी तवज्जो चाहूंगा। एक मिनट, एक मिनट। सॉरी सर, माफ करें अनवर भाई। हे रोहित भाई, उस दिन तुम्हारा, अरे मेरी बात तो सुनो है, उस दिन तुम्हारा मेडिकल चेकअप हुआ था, वो उसके बारे में मिसेस गायकवाड बताइए ना। हाँ, मैं बताती है, मैं बताती है। तुम्हारा ही बात का जवाब सिर्फ मैं दे सकती है। देखो भाई, मेडिकल चेकअप हुआ था रोहित का, लेकिन बेहोश मी हो गई थी। इसका मेडिकल चेकअप होने से तुम्हारा बेहोश होने का क्या वास्ता? ओ, मैं बाद में बताएगी, है कि नहीं? चल मेडिकल चेकअप, अरे चल ना। बेहोश मिसेस गायकवाड हो गई। हाँ तो अर्ज किया है, वो देख देख हमें जीते हैं, वो देख देख हमें जीते हैं, हम देख देख उन्हें पीते हैं। ये मेरी इजार का नारा नहीं है दोस्तों, मेरे फटे जूतों के फीते हैं। आज मैं हमारी शादी की बात करने तुम्हारे डैडी के पास गया था। रोहित, हम तो बरसों पहले अपने दिलों को जोड़ चुके हैं। तुम मुझे अपनी पत्नी और मैं तुम्हें अपना पति मान चुकी हूँ। सीमा, मैं तुमसे एक सीरियस बात करना चाहता हूँ। क्या बात है रोहित, कोई परेशानी है? अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं रोहित नहीं हूँ तो? क्यों मजाक कर रहे हो? ये मजाक नहीं है सीमा। देखो, हम दोनों शादी के कटूट बंधन में बनने जा रहे हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि यही बेहतर होगा कि मैं अपनी जिंदगी की हकीकत को तुम्हारे सामने एक शफाफ शीशे की तरह रख दूं। मैं अमर हूं, रोहित का हमशक्ल। रोहित की मौत ने तुम्हें जिंदा लाश बना दिया था सीमा। जब तुम्हारे पिताजी की नजर मुझ पर पड़ी तो तुम्हें नई जिंदगी देने के लिए उन्होंने मुझे रोहित बनने पर मजबूर कर दिया, और जब तुम मेरी जिंदगी में आई तो मोहब्बत के लिए इतनी ईमानदारी, सच्चाई और नेकी देखकर मैं खुद तुमसे प्यार करने लगा, और आज बात यहां तक आ गई है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। मैं जानता हूं सीमा, रोहित तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन मैं भी रोहित से कम प्यार नहीं करता हूं तुमसे। हाँ। तुम मानो मत, रोहित के बारे में सब कुछ जानने के बाद भी तुमने मुझे अपने दिल में जगह दी। इंसान को हमेशा खुली किताब की तरह जीना चाहिए सीमा, इसीलिए आज तुम्हें अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा राज बताने जा रहा हूँ। दरअसल
बहुत दिनों से मैं अपने दिल अपनी आत्मा पर एक बोझ लिए भटक रहा हूँ। हाँ सीमा, बोझ। आज से कुछ दिनों पहले अखबारों में खबर आई थी कि मेरे चाचा ने अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, मगर आज तक कोई इस राज को जान नहीं पाया कि वो आत्महत्या नहीं थी बल्कि कत्ल था। और वो कत्ल मेरे हाथों से हुआ था सीमा। क्या? तुम्हारे हाथों खून? हालात ही कुछ ऐसे थे सीमा। मेरी जगह अगर फरिश्ता भी होता तो वो भी यही करता। मेरे घर में मेरे अलावा मेरी मौसी और मेरे चाचा रहते थे। मेरे अनाथ होने के बावजूद मेरी मौसी ने मुझे कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। और एक दिन शाम को जब मैं ऑफिस से घर लौटा तो मैंने देखा। छोड़ दीजिए मौसी को। चाचा जी, मैं आपको क्या समझता था और आप क्या निकले? अरे हट! हम भी हाथ उठाए तूने, भूल गया तू इतना ज्यादा? तेरे को पाल पोस कर इतना बड़ा किया हमने, हम भी हाथ उठाए तूने? अभी बता दू तेरे को। मेरे सामने से हर जबर में कह दू। होश में आई और रिवॉल्वर फेंकी उस तरफ। चाचा जी, ये क्या कर रहे हैं? चाचा जी रिवॉल्वर मुझे नीचे छोड़ दो। ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों कर रहे हैं? चाचा जी ओ क्या हो गया? मौसी, मैं तो रिवॉल्वर छीनता था, ये गोली कैसे चल गई? मैंने जानबूझकर खून तो किया नहीं मौसी, अब हम क्या करें मौसी? मौसी, हेलो पुलिस, पुलिस में सकते ना? मौसी, पुलिस को फोन क्यों कर रही हो तुम? पुलिस को फोन करने दे मुझे, और ला ये रिवॉल्वर मुझे दे दे। मैं पुलिस से साफ साफ कह दूंगी कि तेरे चाचा जी मेरी इज्जत लूटना चाहते थे, अपनी इज्जत बचाने में मुझसे खून हो गया, मैं कह दूंगी। नहीं नहीं मौसी, खून तो मैंने किया है, तुम इल्जाम अपने सर पे क्यों लोगी? और ये इल्जाम मैं तुम्हें अपने सर पे लेने भी नहीं दूंगा। तू अगर अपनी जिद पे अड़ा रहा तो मेरी जिद भी सुन ले, मैं अपने आप को गोली मार दूंगी। तुम अपने आप को गोली क्यों मारोगी? तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? समझ में नहीं आता क्या करे, कहां जाए, किससे मदद मांगे। अमर, तू किसी की भी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी कॉपी कर सकता है ना? तो फिर चाचा जी की हैंडराइटिंग में खत। मैं समझ गया, मैं समझ गया मौसी। मुझे दे दे। और सुन, तू ऑफिस जा ताकि किसी को भी तेरे ऊपर शक ना हो। मैं पुलिस को फोन करती हूँ, जाना जल्दी। और इस तरह हम लोगों ने मिलकर इस कत्ल को खुदकशी का नाम दे दिया। मेरे और मेरे मौसी के अलावा तीसरी सिर्फ तुम हो जिस पर ये राज खुला है। अब तुम ही बताओ सीमा, मेरी जगह अगर तुम होती तो तुम क्या करती? सीमा चुप क्यों हो? तुम्हें नफरत हो गई मुझसे? सीमा, चंद्रवेदी स्पीकिंग। सर, मैं इंस्पेक्टर सीमा बोल रही हूँ। हमारा मिशन कामयाब हो गया है, अमर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। ये सब
क्या हो रहा है बेटा? पहले तेरे हाथों चाचा जी का खून, फिर ये सलाखे। ये मुझ बदनसीब और मनहूस औरत का साया है जो तुझ पे पड़ा है। अरे नहीं नहीं मौसी, तुम अपने आप को क्यों कोस रही हो? ये जो कुछ भी हुआ है मेरे जुर्म की वजह से थोड़ी हुआ है, ये मेरे सच भूलने की वजह से हुआ है। दिल का अच्छा हो ना, दिमाग वाले फायदा उठा। तूने मेरी खातिर अपनी जुबान बंद रखी, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं दुनिया से चिल्ला चिल्ला कर कहूंगी कि मेरी नहीं नहीं मौसी, जुल्म मत करना तू मुझ पर। फांसी के तख्ते पर चढ़ जाने की हिम्मत है मुझ में, मगर इतनी ताकत नहीं है कि मैं कि तुमसे पूछे जाने वाले वकीलों के गंदे और घिनौने सवालों को सुन सकूं। कसम है तुम्हें मेरे सर की, तुम इस राज को राजी रखोगी मौसी? बाहरी औरत वाह, क्या रूप दिखाया है तूने! मेरे अमर के साथ इतना बड़ा धोखा किया, मेरे बेटे ने तुझे क्या समझा और तू क्या निकली? सर क्या झुकाती है, आंखें मिलाकर बात सुन डायन। आप होश में तो हैं? मेरे अमर को सजा दिलवाकर तू जितने चाहे मेडल जीत ले, लेकिन इस अबला की बद्दुआ है तुझे कि भगवान करे तेरी गोद कभी न भरे, तू औलाद को तरसे, तब तुझे पता चलेगा तुझे औलाद का दर्द क्या होता है। हालात में अमर के हाथों अपने चाचा का खून हुआ तो क्या गलत हुआ? मैं आपसे पूछती हूँ, अगर आप अमर की जगह होते और मेरी इज्जत पर बराती, तो जज्बात में आकर आप क्या करते? मैं जाके पुलिस को सब कुछ सच सच बता देता, अपने जुर्म का इतराफ करता, मगर अमर ने फरेब किया, धोखा किया। उसने एक मरे हुए इंसान की लिखाई की नकल की, उसके मर्डर को खुदकुशी साबित किया और कानून को धोखा देकर समाज में इज्जतदार इंसान बनकर रहने लगा। That's a bloody crime. He's a criminal. वो मुजरिम है। उस मुजरिम को ऐसी सख्त सजा दिलाऊंगा ये उसकी आत्मा काप उठेगी आत्मा। Okay. I wish you all the best, sir. आज तो हम मंत्री महोदय जी को अपने हाथों से दूध पिलाएंगे। ये लीजिए मंत्री महोदय जी। हम किसी ऐरे गैरे नथु खैरे के हाथ का दूध नहीं पीता हूं। अमर एक मिनट। झुलनी का रंग गड़बड़ हमार पिया, झुलनी का रंग गड़बड़ हमार बम बम। अमर तुम यही समझते हो ना कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है? मैं तुमसे सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि वो धोखा नहीं, मेरा फर्ज था, और उसी फर्ज को निभाते निभाते मैं तुमसे सचमुच प्यार करने लग गई। Really? एक लड़का एक लड़की से बहुत प्यार करता था। एक दिन उस लड़के ने लड़के का दिल मांगा तो मालूम उस लड़के ने क्या किया? अपना सीना चीर के दिल निकाल के उस लड़की के हाथ में रख दिया। तो जानती हो उस लड़की ने उस दिल के साथ क्या किया? तुमने भी ऐसा किया ना उसके साथ? आ! आ!
गांधी आया था मेरे पास, उसने कहा अमर को जहर दे दो, पैसे मिलेंगे। और मैंने 10,000 के लालच में अमर के दूध में जहर मिला दिया। कौन था वो? मैं नहीं जानता मैडम, मैंने पहली बार देखा था उसको। देखने में कैसा था, कितना कैसा था वो? गोरा सा दाढ़ी वाला था, भूरी भूरी आंखें थी उसकी। चलेगा मेरा शैडो साथ होगा तुझा। मेरा अंगन है मैं तुम्हारा क्या काम है, जिसकी बीबी लंबी उसका भी बड़ा नाम है। लंबी शानी लंबी शानी लंबी शानी लंबी शानी है, लंबी शानी लंबी शानी लंबी शानी। आप लोग जरा बाहर जाइए, मुझे इनसे कुछ पूछताछ करनी है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी मेरी जिंदगी से। हुजूर आप जाइए प्लीज। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। अमर, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने आई हूँ। तुम्हारी जान को खतरा है। आगे भी खतरा पीछे भी खतरा। अमर, तुम्हें मार डालने की कोशिश की जा रही है। जो दूध का ग्लास तुमने फेंका था उसमें जहर मिला हुआ था, जहर। अमर, ये तुम्हारे पीछे बहुत गहरी जाल रची जा रही है जिसका तुम्हें कोई अंदाजा नहीं। हाँ, आखिर ये लोग कौन हो सकते हैं? एक हमदर्द होने के नाते मैं तुम्हें। इंस्पेक्टर सीमा और हमदर्द, हर मोड़ पे मिल जाते हैं हमदर्द हजार। शायद मेरी बस्ती में अदाकार बहुत है। मैं तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि तुमने तो हमेशा मेरे वफाओं के आसमां को फर्श के बादलों से ढका देखा है। इस दौर में वफाओं की उम्मीद जिससे की, आकर उसी के हाथ का पत्थर लगा मुझे। ये रहा मेरी वफादारी का सबूत। एक कुंवारी लड़की के लिए अपनी इज्जत अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी होती है, और मैंने अपनी इज्जत तुम पर निछावर कर दी है सिर्फ यह साबित करने के लिए कि मैं सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर नहीं, एक लड़की भी हूं जो तुमसे तुमसे बहुत प्यार करती है। मैं 1,00,000 रुपए लेकर आ गया हूं। अब मुझे बताओ कि मेरे चाचा जी का असली कातिल कौन है। सुनो, मैं बड़ी मुश्किल में हूं, प्लीज प्लीज। उस तरफ देखो, उस तरफ। हाँ? अभी अभी हुआ है, कातिल यहीं कहीं होगा। थिएटर को चारों तरफ से घेर लो। भैया
डैडी, इतनी देर से हम कातिल को ढूंढ रहे हैं, एक घंटा हो गया, मुझे नहीं लगता वो हमें यहाँ पर मिलेगा। अगर वो यहाँ पर होता तो मिलता ना, मुझे तो लगता है कि वो हमारे आने से पहले ही निकल गया है, आपको नहीं लगता? सुना सर, लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले चलो।